हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं टेक्निकल देव आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ये जो हमारे दुकान में होता है कोल्ड ड्रिंक वाला जो फ्रिज होता है, ग्लास वाला, आप इसे कोल्ड ड्रिंक वाला फ्रिज बोल दें या पेप्सी वाला फ्रिज बोल दें या फिर ग्लास वाला फ्रिज बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि ये आर पार दिख रहा है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है। अगर ये फ़ैन नहीं चलेगा तब भी ये कूलिंग नहीं करेगा। तो कुछ बहुत सारी मैं ऐसे डाउट क्लियर करूंगा। सो गाइस, वीडियो पे बने रहें। अगर आप वीडियो पे स्किप करेंगे या फिर फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ पाएंगे। ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं, ये हमारा होता है कंडेंसर। कंडेंसर मतलब जब कंप्रेसर से गैस निकलता है तो सबसे पहले ये हमारा कंडेंसर में जाता है। और जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का जो इन होता है एक आउट होता है। फ़र्क ये होता है कि जैसे गैस निकल जाता है तो बहुत से लोग होते हैं यार गैस पर डाल देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि यार ये गैस निकला क्यों है। क्योंकि ऐसा होता है गैस कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप ये सोचें कि यार इसमें हमने काफ़ी दिन हो गया गैस नहीं डाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक लीकेज नहीं होगा तो जब तक गैस नहीं निकलेगा। जैसे एक टायर होता है साइकिल का, उसमें जैसे आप देखते हैं हवा रहता है तभी चलता है, अगर पंचर हो जाता है तो हवा निकल जाता है। तो सेम प्रोसेस होता है, फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर गैस होता है। सो गाइस, सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने इसका जो है इसे खोल दिया है और हमने एक सिरे पर इसका पिनवाल लगा दिया है और दूसरे सिरे पर भी पिनवाल लगा दिया है। तो एक तरफ हमने क्या नाम है इस पर गेज मीटर लगा दिया है और दूसरी तरफ से हम ये कंप्रेसर हमारे पास एक्स्ट्रा कंप्रेसर है, तो हम इससे एयर डालेंगे इसके अंदर। और एयर डालेंगे कम से कम हम इसमें डालेंगे 300 का समथिंग डालेंगे, 300 के आसपास रहेगा। और उसके बाद हम इसे पानी में डुबोएंगे और इसका लीक टेस्ट लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जो माइनर लीकेज वगैरह होता है वो नहीं दिखता है। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एयर जाना स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो कंडेंसर है, आप झाग से भी चेक कर सकते हैं। अगर झाग से ना हो तो आप इसे पानी में डुबोएं और पानी में इसे डुबोएंगे तो जितना भी लीकेज होगा वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। सो गाइस, हमने क्या नाम है इसे पानी में डुबो लिया था लेकिन लीकेज हमारा नहीं निकला। उसके बाद आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रिज है। फ्रिज का जो हमारा कैपिलरी होता है, कैपिलरी के बाद हमारा लगाता है ड्रायर फिल्टर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है इसका डायग्राम, ग्लास डोर बॉटल कूलर। तो ये होता है और इसका डायग्राम भी आप समझ जाइए यहाँ पर क्या है, कितने किलो का है, कौन सा गैस डलेगा, सब कुछ वायर डाटा जितना भी है सब कुछ एक चिट पे लिखा होता है। और आप देख रहे हैं ये हमारे पास कंप्रेसर है। कंप्रेसर का जो लाइन है वो तो हमने कंडेंसर वो तो पहले ही हमने खोल दिया था। अब उसके बाद हम इसका जो है कूलिंग कॉयल चेक करेंगे। तो आप कूलिंग कॉयल में इन और आउट, जो मतलब कि जो इन होगा वो हमारा कैपिलरी होगा, आउट होगा हमारा जो सक्शन लाइन होगा। तो आपको दोनों लाइनों में आपको क्या करना है, पिनवाल लगा देना है। जैसे हमने कंडेंसर को चेक किया था इन और आउट, वैसे ही हम इसको चेक करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका लीकेज वहाँ कंडेंसर में है तो कूलिंग कॉयल में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कूलिंग कॉयल में भी लीकेज हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि गैस डल रहा है और निकल रहा है कुछ, मतलब कि एक या दो दिन ठंडा कर रहा है और दूसरे दिन ठंडा नहीं कर रहा है होता है। और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे क्लाइंट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करने जा रहा हूं कि आप लोग सोचते हैं यार एक जैसे टेक्नीशियन काम करके गया है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा टेक्नीशियन ही गलत हो। क्योंकि जो होता है वर्क, जो काम करते हैं वो जहाँ पर जिस टाइम वो लीकेज दिखता है उसको तो क्लियर कर देते हैं, लेकिन फ्रिज जो है वो पुराना होने के कारण लीकेज कहीं से भी हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चलता है, जिसके कारण क्या होता है कि जहाँ भी कार्बन वगैरह जैसे कॉपर वगैरह होता है पाइप का, वो ढीला होता जाता है और होते होते वो मतलब कि कमज़ोर हो जाता है और लीकेज की समस्या आ जाता है और गैस ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती है और आप लोग टेक्नीशियन को दोष देते हैं कि टेक्नीशियन ने काम किया, टेक्नीशियन अपनी तरफ से अच्छा करता है। कभी भी कोई टेक्नीशियन ये नहीं चाहता कि इसका काम ख़राब हो और मेरा कस्टमर जो है वो ख़राब हो। हर कोई चाहता है कि कस्टमर मेरा बना रहे। सो गाइज, आप देख रहे हैं हम जो कैपिलरी है, कैपिलरी को हमने ये ब्रेजिंग कर रहे हैं पिनवाल लगा के। और इसका जो वाल हमने निकाल दिया है पहले ही, वाल अगर नहीं निकालेंगे तो वाल ख़राब हो जाएगा, तो वाल को हमने निकाल दिया है। और आप देख रहे हैं हमारा कैपिलरी वाला जो हिस्सा है वो ब्रेजिंग हो गया है। उसके बाद जो हमारा सक्शन लाइन है, जो मोटा वाला लाइन है जो हमारा कंप्रेसर में जाता है वापस से, अब हम उसमें ये लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे टेपिंग लगा रखा था जब हमने इसमें से कंडेंसर निकाला था, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप टेपिंग नहीं करेंगे तो वापस ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और चॉकिंग की समस्या आ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, कभी भी आप कोई भी लाइन काटें कंप्रेसर वगैरह की तो आप वहाँ पर टेप वगैरह लगा दें। अगर आप टेप वगैरह नहीं लगाएंगे
तो ये मॉइस्चर चॉकिंग आने की समस्या बहुत ज़्यादा आ सकता है। और मॉइस्चर चॉकिंग आता है तो आप मेरी वीडियो देखें, हमने इसके बारे में वीडियो बना रखा है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियो ऐसे लेके आते रहते हैं। सो गाइस, आपसे विनती है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, आप हमसे जुड़े, हम आपको जितने भी डाउट हैं वो हम आपके क्लियर करते रहेंगे। अगर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा इसके अंदर। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि अब सक्शन लाइन है, हम उसमें ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। सो गाइस, आपको इसी प्रकार से करना है और इसके अंदर भी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। 200 का प्रेशर दे के आपको क्या करना है, जिसे एक या दो दिन बाद आप इसे चेक करें, अगर आपका प्रेशर सेम मिलता है, एक आध मतलब बिल्कुल ज़रा सा भी हल्का सा निकलता है तो आप समझ लें कि ये तो थोड़ा बहुत निकल गया, लेकिन अगर ज़्यादा डाउट आता है तो समझ जाइए कि आपका जो कूलिंग कोयल है कहीं ना कहीं से लीकेज है। आप उसे निकालें और उसे रिपेयर करें, तभी आप इसका जो प्रॉब्लम की समस्या से बच सकते हैं, जो ये गैस जो है वो निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ इसके अंदर, सेटिंग थोड़े कुछ बता दूँ आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और इसके अंदर जो है 134 गैस डलता है, पहला नंबर तो ये है। दूसरा नंबर ये है, अगर इसके अंदर कोई सा भी फ़ैन नहीं चलेगा तो आप समझ जाइए कि कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि फ़ैन चलना अनिवार्य होता है। एक फ़ैन हमारा लगता है कंप्रेसर के पास जो कंडेंसर को ठंडा करता है, और एक होता है हमारा अंदर कूलिंग कोयल पे जो कूलिंग कोयल की हवा को ग्लास मतलब पूरे सिस्टम में भेजता है ठंडा करने के लिए। तो ये दो सेटिंग होता है। तीसरी सेटिंग ये होता है, कभी भी अगर आपका लगे कि यार फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप इसका फ़ैन चेक कर लें, कंप्रेसर छू के देखें कि ये वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वाइब्रेट हो रहा है और अगर दोनों फ़ैन आपके चल रहे हैं तो समझ जाइए कि जो प्रॉब्लम है वो गैस की ही है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कुछ चूहे वगैरह तार वगैरह काट देते हैं या फिर इसकी सप्लाई ख़राब हो जाता है, रिले वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर नहीं चलता है, सिर्फ फ़ैन चलता है और आप सोचते हैं यार ये तो कूलिंग नहीं कर रहा है। तो ये दो सेटिंग आप ज़रूर कर लें। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर पिन वाल वगैरह फिट कर दिया है इनलेट और आउटलेट में, और इसके अंदर हम यहाँ पे 200 का एयर डालेंगे और इसको दो दिन के लिए छोड़ देंगे। अगर दो दिन बाद भी हमारा एयर इतना ही मिलता है तो समझ जाइए कि आपका ये ओके है, आप बेफिक्र होकर गैस डालिए, ब्रेजिंग अच्छे से करिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि हम आप लोग हमारे चैनल पे आते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, हमें कोऑपरेट करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका जैसे कंप्रेसर चल रहा है और कट कट की आवाज़ आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका जो OLP होता है, ओवरलोड प्रोटेक्ट होता है, उस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि बार बार कट कट का आ जाता है, वो कट मारता चला जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वोल्टेज पूरा नहीं मिल पाता है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, बाय।